हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी दिया हूं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके सीधे मोबाइल के होम पेज पर ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना, एक सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए, कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत सारे रहते हैं और इनके बारे में आपको जानकारी रहना जरूर चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि आखिरकार ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर इतना आप लोग सुनते रहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, ये मेन बात है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। पहले तो आपको यह बताऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर लो होने पर कौन सी दवाइयां दिया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट आपका यह क्लियर कर देता हूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो क्या करता है, ब्लड हमारा फ्लो करता है आर्टरीज वाल के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से, और जो हमारा ब्लड है वो आर्टरीज वाल पर जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे कि एग्जांपल, ये हमारा आर्टरीज वाल है, ये क्या है, आर्टरीज वाल है, और हमारा ब्लड यहां पर फ्लो कर रहा है, तो आर्टरीज वाल पर जो फोर्स लगा रहा है इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि ब्लड का प्रेशर लग रहा है। हाई नहीं है, ये ब्लड का प्रेशर लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, आर्टरीज वाल पर। और यही प्रेशर जब तेजी से लगने लगता है आर्टरीज वाल पर, तब हम लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अब हाई कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है और आगे हम इसको दबा देते हैं, पाइप को पतला कर देते हैं, तब क्या होगा, ब्लड का प्रेशर का फोर्स बहुत तेजी से लगने लगेगा, क्योंकि आगे हम लोगों ने पाइप दबा दिया है। एग्जाम्पल, जैसे समझ लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप से अपने बाइक को धोते हैं, तो ये नॉर्मली पानी आ रहा है यहाँ से पाइप में, लेकिन आगे चल के हम लोग पाइप को इस तरह से दबा देते हैं ना, तो जो ये पानी आता है जब आगे हम लोग यहाँ पर दबा देते हैं तो क्या होगा, पानी का फोर्स बहुत तेजी से निकलने लगेगा, यहाँ पर बहुत तेजी से पाइप में फोर्स लगने लगता है और यहाँ पर जो पाइप होता है ये एकदम टाइट हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि पानी का फोर्स बहुत तेजी से पाइप में लग रहा है, क्योंकि आगे हम लोगों ने दबा दिया है, और इस तरह के बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहां पर समझ में आ जाएगा कि जैसे कि ब्लड का फ्लो नॉर्मली हो रहा है इतने में, लेकिन नॉर्मल ये तो है ही, लेकिन आगे आते आते हम लोगों ने पाइप को क्या किया, दबा दिया, तो यहां पर जो ब्लड का फ्लो हो रहा था ये क्या हो रहा था, नॉर्मल हो रहा था, लेकिन आगे हमने पाइप को दबा दिया तो यहां पर प्रेशर तो नॉर्मल है लेकिन यहां पर ब्लड का फोर्स बहुत तेजी से लगने लगेगा, क्योंकि पाइप पतला हो गया है, और जब ब्लड का प्रेशर तेजी से लगने लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड का प्रेशर हाई हो गया है। समझ गए, लो कैसे होता है, नॉर्मल ये पाइप है इतना दूर समझिए, और ब्लड का फ्लो एकदम कम हो रहा है, यहां पर ब्लड बहुत कम प्रेशर लगा रहा है, बहुत ज्यादा कम प्रेशर लगा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि बीपी लो हो गया है। आई होप आप लोगों को यह भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को यहां पर बताने जा रहे हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होता है इनका, ब्लड के प्रेशर का रेंज भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, ब्लड के प्रेशर के रेंज की अगर बात करें तो इनका जो रेंज होता है 120 से 80 का नॉर्मल रेंज होता है। अगर मान लीजिए ब्लड का रेंज हो गया है ज्यादा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो 140 से 90 या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। और मान लीजिए 120 से 80 से भी कम हो जाता है, जैसे ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, या फिर इससे भी ज्यादा कम हो गया, तो हम लोग कहते हैं ब्लड का प्रेशर क्या हो गया है, बीपी लो हो गया है, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। एक बात आपका यहां पर क्लियर कर देता हूं, जो लोग नए हैं नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन, और जब ब्लड प्रेशर किसी का लो रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि उनको हाइपोटेंशन हुआ है। तो हाइपो अगर कहीं पर लिखा गया हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो है उनका, और हाइपर लिखा गया है तो मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है। समझ गए, तो ये बात आपको थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। तो ये इनका रेंज हो गया। चलिए कुछ और बता देते हैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बात कि बीपी लो होने का क्या क्या कारण होता है,
कारण को समझ लेते हैं, फिर इनके मेडिसिन इलाज के बारे में हम बात करते हैं। कारण क्या होता है? सीएनएस डिजीज के कारण हो सकता है। ब्लड का वॉल्यूम जो है वो अगर कम हो जाता है तो आर्टरीज वाल पर फोर्स कम लगाएगा, प्रेशर कम लगाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये तो आपको पहले ही समझा दिया। अगर मान लीजिए हार्ट में कोई डिजीज हो गया है, हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा है, हार्ट पंप नहीं करेगा तो कैसे ब्लड का फ्लो होगा? नहीं होगा सही से। तो इसके कारण भी बीपी लो हो सकता है। ठीक, लंग का कंडीशन सही नहीं है तो उसके वजह से भी देखा जाता है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एल्कोहल या फिर कोई ड्रग का यूज करते हैं उसके वजह से भी कभी कभी बीपी लो हो जाता है, तो ये भी इनके कारण होते हैं। वैरायटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर के भी कारण हो सकता है, कभी कभी वेरीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इनके कारण भी देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये कुछ इनके कारण होते हैं जिनकी वजह से देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का लो हो गया है। आई होप आप लोगों को ये भी बात एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ठीक है। तो चलिए आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये भी बातें समझ लीजिए। फिर आपको इसी से अनुमान लगाते हैं ना, कोई कहता है कि लग रहा है हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है, पहले आप हमको ये बताइए, तब हम आपका ब्लड प्रेशर देखेंगे। वैसे ही बताते हैं जब कि हमारे शरीर में ये दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, तुरंत डॉक्टर क्या करते हैं, बीपी मशीन को निकालते हैं और उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनुमान हो जाता है कि इस पेशेंट का लगता है ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करने लगते हैं। तो आप भी जान जाएंगे इसके बारे में जब आपको इनका लक्षण पता चल जाएगा। तो कौन कौन से लक्षण आते हैं, जैसे कि मरीज को चक्कर आएगा, एकदम शरीर कमजोर होने लगेगा, कमजोरी महसूस होने लगेगा, बेहोश होने लगेंगे, उनको उल्टी आ सकता है, जी मचला सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रीदिंग फास्ट हो सकता है उनका, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है, डाइजीनेस हो सकता है, फैंटिंग हो सकता है, वोमिटिंग नोजिया भी देखा जाता है इसमें, फास्ट हो जाता है ब्रीदिंग ये भी देखा जाता है, शरीर में वीकनेस महसूस होता है, बॉडी वीकनेस, कमजोरी महसूस होने लगता है, फीलिंग टायर्ड मतलब थकान महसूस होने लगता है। अगर कोई पेशेंट बताता है कि चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, नौजिया हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है किसी को, या फिर ब्रीदिंग फास्ट हो गया है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, तो हाँ लग रहा है इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है। और तुरंत डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन को निकालते हैं और उनका जाँच करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, तो आप ब्लड प्रेशर क्यों नाप रहे हैं। अब जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है वो यही बात कहेंगे, लेकिन आपको नॉलेज है कि चक्कर आ रहा है, बेहोश हो रहे हैं, उल्टी हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, ये लक्षण है कि लग रहा है पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो उसको कन्फर्म करने के लिए ब्लड प्रेशर नापा जाता है। और अगर मान लीजिए उनका पता चल गया कि उनका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल से लो है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, अब आप लोगों को वो बात बताने जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में तीन बात बताएं, कौन कौन सा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होने के कौन कौन से कारण होते हैं, ब्लड प्रेशर होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये बात आप लोगों को तीनों एकदम आसान भाषा में समझा दिया हूं। आई होप जितने लोग यहां पर देख रहे हैं उनको एकदम पूरी के पूरे तरह से 100% यहां पर समझ में आया होगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर मान लीजिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो उसका इलाज कैसे करें, ये भी तो जरूरी है। सब हमने पता कर लिया क्या है क्या नहीं है, ब्लड प्रेशर पता चल गया लो है मरीज का, अब उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो जो लोग अभी तक ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे थे तो प्लीज अब देखिए मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो मेडिसिन के बारे में बता रहा हूं तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि दवाई के बारे में आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए, वो आपको जानकारी रहना चाहिए एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयां का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों जो मेडिसिन है वो है यूनी एंजाइम टैबलेट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है। डॉक्टर लोग ज्यादा से ज्यादा इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका नाम है यूनी एंजाइम टैबलेट। समझ गए आप लोग, ये हो गया। अगर इनके डोज के बारे में बात करें कि यूनि एंजाइम का डोज क्या होता है, तो इनका डोज क्या होता है वो भी आप लोग जान लीजिए। एक टैबलेट खाना है, बीडी का मतलब होता है दिन में दो बार, एक दिन में दो बार टैबलेट को खाना है, एक टैबलेट सुबह खा लेंगे, एक टैबलेट शाम को खा लेंगे, वो भी आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद इसको खाना है। समझ गए? तो ये बातें हो गई यूनि एंजाइम टैबलेट के बारे में, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है जिंकोफर यक्ष्टी टैबलेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसमें ये भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो।
समझ गए। तो ये हो गया जिंको फॉर यक्ष्टी, ठीक, जो कि एपेक्स के कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। साइड में जो यहाँ पर चीज लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि ये इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जैसे सिप्ला कंपनी लिखा रहता है, मैनकाइंड लिखा रहता है, और भी किस कंपनी, सन फार्मा लिखा रहता है, तो किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है वो कंपनी का नाम यहाँ पर साइड में लिखा रहता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये साइड में आखिरकार क्या लिखा गया है, समझ गए। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जिंको फॉर यक्ष्टी टैबलेट जो होता है, इनका डोज क्या होता है, इनको भी आप जान लीजिए। इनका डोज होता है एक टैबलेट, ओडी का मतलब होता है एक बार, एडे मतलब एक दिन में एक टैबलेट खाना है। अब एक टैबलेट सुबह खा रहे हैं तो कल आप खाएंगे एक टैबलेट, ये नहीं कि एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खा रहे हैं, नहीं। आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। जो लोग नए छात्र हैं वही कंफ्यूज होंगे, जो लोग डेली देखते हैं वो नहीं कंफ्यूज होंगे। देखिए दवाइयों के डोज को शॉर्ट वर्ड में लिखा जाता है, जैसे कि ओडी लिख देंगे बीडी, या फिर लिख देंगे ये ओडी है, ठीक, नहीं तो टीडीएस लिख देंगे, नहीं तो लिख देते हैं क्यूआईडी। इनका मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी भी दवाइयों के डोज के सामने ओडी लिखा गया है, ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में दो बार खाना है, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में तीन बार खाना है, और वहीं अगर क्यूआईडी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है दवा को दिन भर में चार बार खाना है। तो ये डोज होता है, समझ गए। और वही चीज यहां पर लिखा गया है, आप नहीं समझ पा रहे तो इसीलिए बता दिया हूं। और एक बात और जान लीजिए, एएम का मतलब क्या होता है, बीएम का मतलब क्या होता है, एएम का मतलब होता है आफ्टर मील, और आफ्टर मील का मतलब क्या होता है, दवा को खाना खाने के बाद खाना है। एएम का मतलब होता है आफ्टर मील, दवा को खाना खाने के बाद खाना है, उसे आफ्टर मील बोला जाता है। बीएम का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है, समझ गए। तो ये कॉमन बातें हैं जो कि यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लिखा गया है, डोज में एक टैबलेट खाना है, ओडी का मतलब होता है दिन भर में एक बार खाना है, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद खाना है, समझ गए। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, जिंको फॉर यक्ष्टी टैबलेट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है उसमें, समझ गए आप लोग। कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा आप लोगों को, एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा। चलिए क्योंकि आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल पर आए हुए हैं, और सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल पर आए हैं तो आपको 100% ज्ञान मिलेगा। यहां पर मेडिसिन का रिव्यू आपको होता है, यहां पर हर मेडिसिन हर डिजीज के बारे में आपको जानकारी मिलता रहता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी फील्ड के मेडिकल छात्र हैं आप, नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएएमएस, किसी भी छात्र हैं मेडिकल के, सबके लिए बेनिफिट चैनल है। तो आप लोग जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। देखिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उनके सिम्टम के बेसिस पर कुछ दवाइयां दिया जाता है, जैसे कि डिस्प्रिन हो गया, डिस्प्रिन जो होता है ये दिया जाता है। अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए डिस्प्रिन दिया जाता है। और इनके साथ साथ कभी कभी डॉक्टर पैरासीटामॉल टैबलेट दे देते हैं, नहीं तो आइबुप्रोफेन टैबलेट दे देते हैं, दोनों में से कोई एक देते थे। पैरासीटामॉल क्या करेगा, अगर अंदर से फीवर उनको दिख रहा है तो वो भी ठीक करने का काम करता है। आइबुप्रोफेन दर्द को भी ये ठीक करने का, पेन किलर का काम करता है। डिस्प्रिन हो गया ये, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक अगर किसी को हो रहा है तो वो सारी चीजों को ठीक करने का काम करता है, समझ गए। तो इसीलिए इन मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें, जो डिस्प्रिन टैबलेट है इनका डोज क्या होता है, एक टैबलेट खाना है दिन भर में दो बार, वो भी खाना खाने के बाद, समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई डिस्प्रिन टैबलेट के बारे में, समझ गए आप लोग। जो कि क्या होता है, ये होता है फास्ट इफेक्टिव, बहुत तेजी से अपना असर दिखाता है और पेन को ठीक करता है, समझ गए। यहां पर इसीलिए ये लिखा गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उनमें कुछ और भी लक्षण देखे जा रहे हैं, लक्षण आपको बताया है ना, तो सिम्टम के बेसिस पर कौन कौन ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर लो हो गया है और मान लीजिए उन्होंने कोई दवा खा लिया, पेट में गैस बन गया, पेट में जलन हो रहा है, उल्टी महसूस हो रहा है, नोजिया, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो देखिए पेट में जलन हो रहा है, पेट में गैस हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए, एसिडिटी हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए एसी लॉक दिया जाता है, जो कि इसका कंपोजिशन है रेनिटिडीन टैबलेट। ये दोनों नाम से फेमस है, एसी लॉक के नाम से भी फेमस है, रेनिटिडीन के नाम से भी फेमस है, समझ गए। ये जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है, समझ गए। एमेसेट, ओंडेसेट्रान, ये नोजिया और वोमिटिंग में दिया जाता है, मतलब किसी का जी मचला रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, तो वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए एमेसेट मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है ओंडेसेट्रान टैबलेट, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। ये कैडिला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये कंपनी लिखा रहता है किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, समझ गए आप लोग। तो ये बातें भी समझ में आ गया होगा। ये 4 mg का है, ये 150 mg का है,
ये भी समझ में आ गया। आईपी लिखा गया है मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का है, ये भी इंडियन फार्माकोपिया का है, ये भी इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर इन दोनों टैबलेट का डोज के बारे में हम बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो एक टैबलेट सुबह खाना है, एक टैबलेट शाम को खाना है, मतलब दिन भर में दो बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद खाना है। समझ गए, खाना खाने के बाद खाना है। यहाँ पर आईपी लिखा गया है, इनका मतलब जो नहीं समझ पा रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि जो फार्माकोपिया होता है दोस्तों, ये तीन कैटेगरी में होते हैं। एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी और तीसरा होता है यूएसपी। इन चीज़ों का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है, तो इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये तीन बातों का आपका ध्यान जरूर रखना चाहिए, समझ गए। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, आईपी लिखा गया है तो ये इंडियन फार्माकोपिया का है। यहाँ पर भी आईपी लिखा गया है तो मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर यहाँ पर बीपी लिखा रहता तो आप समझ जाते कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर यूएसपी लिखा रहता तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये बस कुछ और अलग चीज़ नहीं लिखा गया है, ये फार्माकोपिया को बताता है, समझ गए। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला मेडिसिन के बारे में सभी लोगों को पता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनको ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है, मतलब ORS जान रहे ना, फुल फॉर्म नहीं पता है जो लोगों को, वो साल्ट वर्ड तो जरूर जानते हैं, आपके घरों में भी सब लोग जानते हैं कि ORS पिला दीजिए, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साल्ट होता है। और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उनको डॉक्टर क्या कहते हैं परहेज करने के लिए, कि आप नमक की मात्रा एकदम कम कर दीजिए, आप नमक खाइए ही नहीं। लेकिन जिनका लो हो गया है उनको कहते हैं नमक का प्रयोग कीजिए, तो उनको ORS दिया जाता है। और ORS आप लोग कभी भी अपने हाथ में लेकर के, थोड़ा सा अगर आपका बीपी नहीं हाई रहता है, ब्लड प्रेशर आपका सही है, तो कभी भी ORS को अपने हाथों में वैसे ही पाउडर लेकर के थोड़ा सा जीभ से चाट करके देखिएगा उसमें कितना ज़्यादा नमक रहता है। और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो लो है उसको मेंटेन करने में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। ट्राई करने के लिए कभी भी आप अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर के चाटिएगा। मैं तो इसको ट्राई किया हूँ, कभी कभी मुझे अच्छा लगता है खाने में, मेरा ब्लड प्रेशर सही है, इसीलिए मैं कभी कभी हाथों में लेकर के इसको टेस्ट भी करता हूँ, मज़ा भी आता है खाने में, बीपी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो कभी भी ऐसा मत करना, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं चखने के लिए बोला था, आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई है और आपने चख लिया इसको और भी आपका हाई हो गया, तो ऐसा काम मत करिएगा। जिनका सही है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, वो इनका थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ट्राई भी करना चाहिए। आप मेडिकल के छात्र हैं, थोड़ा बहुत अपने से भी इसको देखना चाहिए कि आखिरकार ये दवा क्यों यूज किया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई है तो नमक नहीं खाना है, समझ गए, तो लो है तो तब तो नमक खाना ही है, समझ गए, उसका उल्टा काम करना है। अगर लो है तो नमक दाब के खाइए, समझ गए, बस नॉर्मल हो जाए, इतना ज़्यादा भी मत खा लीजिएगा कि हाई हो जाए, एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिला, दूसरा प्रॉब्लम तैयार हो गया, ये भी काम मत करिएगा, समझ गए। तो ये बातें हो गया, तो ये होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, अपने हाथों में लेकर के टेस्ट करिएगा जरूर, आप लोग पता चल जाएगा कि क्यों इसमें कहा जा रहा है कि ये ठीक करे, क्योंकि कितना ज़्यादा नमक होता है, थोड़ा सा चखेंगे तो पता चल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉल के नाम से भी फेमस होता है, समझ गए आप लोग, जो कि ये बेस होता है WHO के फार्मूला के बेसिस पर। WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए आप लोग। तो ये बातें भी हो गया, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का ये भी है और ये भी है, समझ गए आप लोग, ये बातें हो गई। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोगों को कौन कौन सी दवाइयाँ बताए हैं, ORS तो कॉमन मेडिसिन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, समझ गए, इनके बारे में भी आप लोगों को बताए हैं। फिर आप लोगों को किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया तो रेनिटिडिन टैबलेट दे देते हैं, नोजिया और वोमिटिंग, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो ओंड्रेनसेट्रिन टैबलेट दिया जाता है, ये भी आपको समझा दिए हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि डिस्प्रिन दिया जाता है कभी कभी इनके साथ में, पैरासिटामॉल या फिर आइबुप्रोफेन दिया जाता है, ठीक, ये भी आपको समझा दिए हैं। फिर इसके पहले आप लोगों को यहाँ पर जिंकोफरेक्सटी के बारे में समझा दिए हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इनके डोज के बारे में बता दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसमें दिया जाता है, ठीक। उसके पहले आप लोगों को यूनि एंजाइम के बारे में समझा दिए हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है, इनका भी डोज आपको समझा दिया हूँ कि एक टैबलेट दिन भर में दो बार देना है, वो भी खाना खाने के बाद। ये भी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो चलिए इसी के साथ और आपको क्या क्या बताए हैं वो भी थोड़ा सा जल्दी से जान लीजिए, जिन्हें थोड़ा बहुत बाकी था नहीं समझ में आया था वो जान लेते हैं। देखिए सिम्टम में क्या क्या लक्षण होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको चक्कर आएगा, बेहोश होने लगेंगे, उल्टी होगा, ब्रीदिंग उनका फास्ट हो जाएगा, ठीक, कमजोरी महसूस होगा, थकान महसूस होगा, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। बीपी लो होने का क्या क्या कारण होता है, CNS डिजीज के कारण हो सकता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज वाल में, एकदम इनका वॉल्यूम लो हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, प्रेशर ही नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, इसका मतलब ब्लड प्रेशर इनका लो है, ठीक। हार्ट में कोई डिजीज हो गया है,
अगर ये सही से पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, इसके प्रॉब्लम्स की वजह से भी देखा जाता है, ब्लड प्रेशर लो है, लंग में कोई कंडीशन खराब हो जाता है, या फिर एल्कोहल ड्रग के कारण कोई दिक्कत हो गया है, या फिर वेरीज बॉडी टेम्परेचर के कारण ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो ये कुछ इनके कारण होते हैं जो कि आपको समझा दिए हैं, ठीक। और यहाँ पर इनके रेंज भी बता दिए हैं, नॉर्मल रेंज क्या होता है, हाई हो जाता है तब कितना रेंज देखा जाता है, लो हो जाता है तब कितना रेंज रहता है, ये सारी बात आपको समझा दिए हैं। समझ गए आप लोग, आई होप पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिए, कि अगर आप लोग मान लीजिए मेडिकल के छात्र हैं और आपके पास भी बहुत सारे डिजीज के बारे में नॉलेज है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, सपोर्टिंग आप फार्मेसी, सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का नाम है वही चीज़ आप लोग इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, आपको तुरंत चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और जो डिजीज के बारे में नॉलेज शेयर करना चाहते हैं आप वहाँ पर हमें बता सकते हैं, और जो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन पूछने के काम आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक। लेकिन अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो अपना नॉलेज आप हमें पर्सनल वहां पर कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट और बड़ा रिक्वेस्ट जो कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से यही है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।